ये चलते उसको लेके कोई केस बने इस प्रकार से। ये अभी सिंघवी साहब ठीक कह रहे थे, 75 साल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा कि आप इस आधार पर केस दर्ज करके आप पूछताछ शुरू कर दे राष्ट्र नेता से। मैं किसी को और निंदा करता हूं और मैं इतना कह सकता हूं कि इंदिरा जी के वक्त में भी जब जनता पार्टी का शासन आ गया था तो इसी प्रकार की हरकतों में उतर गए थे लोग उस वक्त में, और जनता ने जवाब दिया करारा, और 80 के अंदर भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जीती थी चुनाव। आज का जो घटनाक्रम है ये कल्पना के बाहर है कि आप किस प्रकार से बिना कोई कारण के 3 दिन के अंदर अंदर वापस जाके पूछताछ करो, जबकि राहुल जी कह चुके थे कि 8-10 दिन के अंदर मैं जवाब ही दे दूंगा। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ गई आज अचानक ही वहां पर सभी अधिकारी पुलिस के आ गए। हिटलर जो था वो पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था, उसके बाद ही वहां की जर्मनी की स्थिति बनी है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो पूरी दुनिया सुन सकती है, इंटरनेट का जमाना है। राहुल गांधी वही बोले जो लंदन में जो यहां बोले थे, यहां बोलते थे या बोले या बोलेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं इनको, इनकी हरकतों को छोड़ने वाले नहीं है, इनकी तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ने वाले नहीं है, जनता के बीच में जाएंगे। आज जो अनफॉर्चुनेटली ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो तांडव मचा रखा है इन लोगों ने, जुडिशियल दबाव के अंदर है, चाहे सीजीआई कुछ भी कह दे, दबाव में हाईकोर्ट के अंदर भी है और ऊपर भी है नीचे भी है, दुनिया जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव के अंदर काम कर रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा और कैसे रहेगा? अगर ये बात कोई बोलता तो इनको तकलीफ क्यों होती है? कितने पत्रकार लेखक साहित्यकार जेलों में बंद रहे हैं या जेलों में बंद हैं, कोई सोच सकता है? पूरा देश भयभीत है, तनाव में है, और राहुल गांधी जी के मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का था, नॉन वायलेंस का था, प्यार मोहब्बत से रहो आपस के अंदर, क्या बुरी बात कही, और गरीब अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दों को जनता ने एक्सेप्ट किया कि ये मुद्दे बहुत भयंकर है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति ये कर रहे हैं, कब तक करते जाएंगे? अल्टीमेटली जनता समझ जाएगी कि इनकी कथनी में कड़ी अंतर है, झूठे वादे करके सत्ता में आ गए हैं। पर जिस प्रकार से हालात देश में बने हैं वो चिंता पैदा कर रहे हैं देशवासियों के दिलो दिमाग के अंदर, हालात बड़े गंभीर बनते जा रहे हैं, और इसलिए इस प्रकार की हरकत भी पहुंच गई आज दिल्ली पुलिस द्वारा। मैं नहीं मानता कि दिल्ली पुलिस खुद आगे बढ़ के पहल कर सकती है, कोई कारण ही नहीं लगता है। हम लोग यात्रा करते हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर मैं 100 किलोमीटर यात्रा करूंगा, यात्रा में मुझे फरियादी रास्ते मिलेंगे, कोई किसी का काम होगा, अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, उत्पीड़न हो गया, मेरा काम नहीं हुआ, छुआछूत मेरे साथ बरती गई, रेप की कोशिश की गई, मैं कुछ भी कह सकता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे बताना पड़ेगा कि आज माहौल क्या है। अगर राहुल गांधी जी देश के हालात बताते हैं 3,500 किलोमीटर यात्रा करके कि पूरे देश में रस्ते मुझे क्या फीडबैक मिला, उसको लेके आप केस दर्ज कर रहे हो। 3,500 किलोमीटर यात्रा, 3-4 महीने यात्रा चली, और भी कई किस्से कहने बताए होंगे, उसके आधार पर केस दर्ज हो जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला केस दर्ज हो रहा था, और मैं समझता हूं अब भी मीडिया ने चेता, दबाव में काम किया, जिस प्रकार हालात है मीडिया में, गोदी मीडिया ऐसे ही निकल आया है, जिस प्रकार के हालात हैं, जो मालिक लोग हैं मीडिया के, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, उनकी मजबूरी है। ईडी कब पहुंच जाए उनके यहां, कब सीबीआई पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, वो भी तो उनको तो अपना मीडिया चलाना है। हालात ऐसे बन चुके हैं, गौर करना चाहिए उन सबको। अब भी अगर चेता नहीं, पत्रकार मीडिया वाले साहित्यकार वो इतने लिखते लिखते थक रहे हैं, मैंने महसूस किया, मैं सुनता रहता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जो राइटिंग आर्टिकल लिखते मैं उनको देखता रहता हूँ,
मुझे लगता है धीरे धीरे वो थकने लगे हैं, ये हालात पैदा हो गए देश के अंदर। इतने मैं कहना चाहूंगा कि आप इन घटनाओं को, ये कोई मामूली घटना नहीं है, पुलिस किसी के घर में घुस गई, राहुल जी के यहां चली गई, ये तो एक बात हुई, क्यों चली गई? अगर आम आदमी भी है कोई, राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, आम आदमी भी है, क्या उसके घर में इस पर घुस सकती है? जीरो FIR किसने करवाई दर्ज? अगर किसी ने केस बताया हो, आपके यहां लागू नहीं होता, दिल्ली के अंदर, राजस्थान में लागू हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, यूपी में हो रहा मान लीजिए, और ये कायदा होता है जीरो FIR दर्ज करके हमें भेज दीजिए, पर कोई दर्ज तो करवाए केस को, दर्ज किसी ने नहीं करवाया है, और आपने सोशल मीडिया में देख करके आपने केस दर्ज कर दिया। कोई फरियाद क्या किया उनके पास में? तो आप सोच सकते हैं कि किस दिशा में मुल्क जा रहा है, कोई नहीं जानता। किस दिशा में जाएगा अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी रहते हुए, कोई नहीं जानता। ये हालात हैं, और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है, इसलिए मुझे कोई लंबी बात नहीं कहना है। आर की घटना से पूरा देश विचलित हुआ और देशवासियों में एक मैसेज गया है कि ये किस दिशा में मुल्क जा रहा है। इस पे मैं समझता हूँ हम सबको चिंता होनी चाहिए, मुझे यही कहना। तो धन्यवाद। साथियों, अभिषेक सिंघवी जी ने और अशोक गहलोत जी ने आपको विस्तार से कहा है कि ये जो मिसाल है, जो घटना है, मोदी सरकार की प्रतिशोध, धमकी और डराने की जो राजनीति है उसका एक मिसाल है। मैं एक बात इससे जोड़ना चाहता हूं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाया। जब से 16 पार्टियों ने एक होकर, एकजुट होकर JPC की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने, उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जो उन्होंने कैम्ब्रिज में और लंदन में कहा है उसको गलत तरीके से उसे अर्थ निकालने के, तोड़ मरोड़ कर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, वो कहा है, जबकि हमारे पास सबूत है और जो हमने सोशल मीडिया के द्वारा जनता के सामने भी रखा है कि उन्होंने बातें नहीं कही हैं जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और उनको स्पीकर से निवेदन के बावजूद बोलने नहीं दिया जा रहा है लोकसभा में, तो ये एक रणनीति है ताकि हेडलाइन, ताकि ध्यान, अटेंशन सब अडानी घोटाले से हटे और कोई मुद्दा आए। ये रणनीति सफल नहीं होगी। 16 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ये मांग जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये बरकरार रहेगा, और जब तक ये धमकी, प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चलेगी, तब तक जो गृहमंत्री कहते हैं मिडिल पाथ, ये मिडिल पाथ बिल्कुल असंभव है। हाँ जी, जो हालात बने हैं 9 साल के अंदर, जिस रूप में कानून का राज लगता आपको, जिस प्रकार से घुस जाते हैं ईडी वाले घरों के अंदर, इनकम टैक्स वाले पड़े रहते वहीं पर, निकलते नहीं हैं, वो के ऊपर से आदेश आए कि हम निकलेंगे, हम तो CBI वाले घुस जाते हैं घरों के अंदर, वो क्या रहा तमाशा। और एक नया मॉडल शुरू कर दिया अमित शाह जी ने, सरकार गिराने का, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नया मॉडल इन लोगों का, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार को गिराओ, ये लोकतंत्र है यहां पर।
ये तो ठीक है, सरकार बरगी राजस्थान की, कमी नहीं रखी इन लोगों ने गिराने के लिए राजस्थान सरकार को भी। इसलिए आज हालात बहुत गंभीर है, सोचना पड़ेगा सबको और सोचने का समय आ गया है। जाहिर है दिल्ली पुलिस